शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है उत्तपम। ऐसे उत्तपम दाल और चावल से भी बनाई जाती है, लेकिन इसको उत्तपम बनाने के लिए हमें सूजी का इस्तेमाल करना होता है और इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होता है। और साथ में मैं इसके साथ खाई जाने वाली नारियल और मूंगफली की चटनी की भी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों बनाते हैं झटपट उत्तपम और चटनी। उत्तपम बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सूजी, दही, कटे हुए प्याज, कटे हुए शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, राई, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, बेकिंग सोडा, ऑयल और वाटर। मूंगफली और नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली, कटे हुए नारियल, चाहे तो वो सूखा नारियल भी ले सकते हैं या कच्चा नारियल भी ले सकते हैं, राई, थोड़े से कड़ी पत्ते, जीरा, सूखे लाल मिर्च और हरी मिर्च। चलिए फ्रेंड्स उत्तपम बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक बाउल सूजी ले रही हूँ, मैंने एक बाउल सूजी लिया है, उसी बाउल से मैं अभी एक बाउल दही लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब जिस बाउल से मैंने सूजी और दही लिया है उससे मैंने हाफ बाउल वाटर लिया है। दही मेरी गाढ़ी थी इसलिए मैंने हाफ बाउल पानी ऐड किया है उसमें। आप चाहे तो दही अगर थोड़ी पतली रहे तो पानी और कम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। इसको अच्छे से मैं मिला रही हूँ, अभी थोड़ी ये पतली दिख रही है लेकिन बाद में ये फूलने के बाद एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए ढककर रख दूंगी ताकि सूजी अच्छे से फूल के सेट हो जाए। इतनी देर में मैं चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। जब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल के सेट हो रही है तब तक हम लोग चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ, इसको अच्छे से भूनना है। मूंगफली भून चुकी है, भूनने के बाद उसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मिक्सर जार में मैं मूंगफली डालूंगी। इसमें कटे हुए नारियल ऐड करना है। दो हरी मिर्च भी मैंने ऐड किया है उसमें। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि नमक ज़्यादा डाल देने से चटनी अच्छी नहीं लगेगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है अभी शुरुआत में। इसको मैं ग्राइंड करूंगी।
भी अच्छे से नहीं, ये थोड़ा सा और पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, नहीं तो एकदम पतली हो जाएगी और पतली चटनी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी गाढ़ी चटनी बनानी है हमें। अभी भी ये बहुत गाढ़ी है, थोड़ी सी और पानी मैं ऐड कर रही हूँ। कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको चलाया है मिक्सर को। अभी हमारी चटनी पीस चुकी है बहुत अच्छे से। अब एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। इसे थोड़ी गाढ़ी रखनी है चटनी को, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। अब मैं जिस कढ़ाई में मैंने मूंगफली तला है उसी में मैं थोड़ी सी सरसों डाल रही हूँ ऑयल डालकर। इसमें मैंने दो लाल मिर्च ऐड किया है, सूखी लाल मिर्च। थोड़ा सा जीरा ऐड किया है मैंने इसमें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड करना है उसमें। थोड़े से कड़ी पत्ते। अब इन सभी को मैं चटनी के ऊपर छौंक लगा रही हूँ। इसे चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। पूरे ऑयल को मैं नहीं डाल रही हूँ, जितना ज़रूरत है मैं डालूँगी, बाकी बचे हुए ऑयल को मैं रख दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मूंगफली और नारियल की चटनी तैयार है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। इसे जितनी देर में मैंने चटनी तैयार किया है उतनी देर में हमारी सूजी भी फूल के सेट हो चुकी है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, एकदम गाढ़ी, बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। थोड़ी पतली होगी तो बिल्कुल ये अच्छी नहीं बनेगी, पतली बनेगी, क्योंकि उत्तपम थोड़ी सी मोटी ही होती है। अब मैं इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, इसको गर्म होने दे रही हूँ मैं। अभी गर्म हो चुका है कढ़ाई हमारा। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल भी थोड़ी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें थोड़ा सा सरसों के दाने ऐड कर रही हूँ। सरसों के दाने चटक गए हैं। अब मैं गैस को कम कर रही हूँ। अब मैं इसमें उत्तपम के बैटर डालूंगी। एक लैडल की हेल्प से मैंने उत्तपम के बैटर डाला है। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालना है क्योंकि उत्तपम मोटा होता है, पतला अच्छा नहीं लगता है। और इसको अच्छे से गोल शेप दे करके अच्छे से फैला लेना है। इसकी लेयर थोड़ी मोटी ही रखनी है तो बहुत अच्छी बनती है ये। और इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसको बनाते समय शुरुआत में गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, बिल्कुल लो, नहीं तो नीचे से उत्तपम जल जाएगी। लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़े से प्याज ऐड कर रही हूँ, कटे हुए प्याज हैं। थोड़े से कटे हुए टमाटर मैंने डाले हैं। थोड़े से शिमला मिर्च मैंने ऐड किया है इसमें। और इन सभी को अच्छे से फैलाने के बाद उसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और मैंने अब काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है यहाँ पे।
ये सभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मैंने यहाँ ऊपर से डाला है। और इसको अच्छे से एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से दबा देना है सभी वेजिटेबल्स को, तो ये उत्तपम में जाकर सेट हो जाएगा और ये बाहर नहीं निकलेंगे और बहुत अच्छे दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। अब इसको ढक कर एक से डेढ़ मिनट तक इसको पकने देना है लो फ्लेम पे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस एक से डेढ़ मिनट तक। अभी एक से डेढ़ मिनट हो चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उत्तपम कढ़ाई छोड़ चुका है एकदम, कितने अच्छे से ये इधर उधर हो रहा है। अब मैं इसे पलट दूंगी, देखिए ऊपर से इसका लेयर कितना नीचे से कितना सुंदर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन है ऊपर से और नीचे से भी। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से एक मिनट के लिए फिर पकने देना है, इसको अच्छे से दबा दबा करके थोड़ा सा और सेट होने देना है ताकि नीचे के सारे वेजिटेबल्स उसमें अच्छे से सेट हो जाए और पक भी जाए। सबसे पहले मैंने एक से डेढ़ मिनट पकाया एक साइड और दूसरी साइड में एक मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, कभी इसको एक मिनट तक पकाना है ऐसे ही। एक मिनट हो चुके हैं, अब इसको मैं पलट दूंगी, पलट कर मैंने फिर गैस तेज कर दिया है। अब थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए नीचे फिर से एक बार अच्छे से पका लेने के बाद इसे फिर मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत बने हैं उत्तपम, देखने में जितने ही कलरफुल लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे ये। तो ये देखिए इसके लेयर्स, इसके जो नीचे के जो बेस बने हैं उत्तपम के कितने अच्छे हैं, थोड़ी मोटी ही होती है और नीचे से कुरकुरी है, ऊपर से कुरकुरी और बीच से सॉफ्ट बनी है ये। मैं इसको कट करके भी दिखा रही हूँ, सब्जी इसके पूरी तरह से सेट हो चुके हैं उत्तपम में। ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होता है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर आप ट्राई करें। ये देखिए कटने के बाद मैं इसके अंदर के पार्ट्स दिखाऊंगी आपको, कितने अच्छे अंदर से एकदम ब्रेड की तरह स्पॉन्जी बने हैं ये, बिल्कुल ब्रेड की तरह लग रहे हैं ये। देखिए मैं दोनों साइड से दिखा रही हूँ आपको, खाने में बहुत ही टेस्टी है एंड हेल्दी होता है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप ट्राई करें। ये देखिए झटपट हमारा उत्तपम रेडी हो चुका है, ये देखिए ये रहा हमारा उत्तपम और मूंगफली और नारियल की चटनी तैयार है। उत्तपम को नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स अकेले भी। और ये मूंगफली और नारियल की चटनी आप उत्तपम के साथ साथ इडली डोसा या बड़े के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स ये चटनी। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।